लिकोराइस पाउडर यानी कि हिंदी में हम लोग इसे मुलेठी पाउडर बोलते हैं। लिकोराइस इज ग्रेट फॉर आवर स्किन। ये हमारे स्किन को लाइटनिंग और ब्राइटनिंग इफेक्ट लाता है स्किन में, कॉम्प्लेक्शन को फेयर एंड ब्राइट बनाता है और स्किन में एक्ने और पिंपल्स की वजह से जो दाग धब्बे ब्लेमिशेस होते हैं ये भी इसे रिमूव करने में हेल्प करता है। लिकोराइस पाउडर हमारे स्किन की कंडीशन को भी ट्रीट करता है। अगर ये हमारी स्किन सेंसिटिव है तो इसे भी क्योर करने में ये हेल्प करता है। वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एंड एक्टिव कंपाउंड ऑफ लिकोराइस रूट एग्जैक्ट इज ग्लैबरीन। इट हैज स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज। द एंटीऑक्सीडेंट इन लिकोराइस पाउडर ब्लॉक फ्री रेडिकल्स फ्रॉम द हार्मिंग द स्किन, दस प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम प्रीमैच्योर एजिंग। यानी कि लिकोराइस पाउडर हमारे स्किन को एजिंग साइन को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक प्रॉब्लम का सलूशन। एक टाइम था जब मेरे ये चिक एरिया पे और फोरहेड पे बहुत सारे पिंपल्स आते थे। मैं बहुत कुछ ट्राई की पर ये पिंपल्स मतलब ठीक होने का नाम ही नहीं लेता था। फिर मैंने एक फेस पैक ट्राई किया जिसके रेगुलर यूज से मेरे ये पिंपल्स धीरे धीरे कम होते गए और ये बिल्कुल चला गया, और उससे जो डार्क स्पॉट्स भी था वो भी धीरे धीरे चला गया। तो आज मैं वही फेस पैक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। मैंने यहाँ पे मुलेठी पाउडर यानी कि लिकोराइस पाउडर लिया है। मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून ऐसा लिया है। आप अपने फेस के अकॉर्डिंग इसे ले सकते हैं। फिर इसमें मैंने 1 टीस्पून रोज वाटर ऐड कर दिया है। इसके बाद मैंने इसमें 1/2 टीस्पून एलोवेरा जेल इसमें डाल दिया है और 1/2 टीस्पून हनी इसमें यानी कि शहद इसमें ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें से कोई भी इंग्रेडिएंट्स अगर आपके स्किन में सूट नहीं करता है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। इसे मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया है। अब इसे यूज करने के लिए सबसे पहले आप अपने पूरे फेस को कोई भी फेस वॉश से क्लीन कर ले। इसके बाद ये फेस पैक को अप्लाई करें। कोई भी फेस पैक आप अप्लाई करने से पहले अपने फेस को अगर क्लीन कर लेंगे तो ये फेस पैक और भी अच्छा आपके स्किन में बेनिफिट्स देगा। इस तरह से मैंने पूरे फेस में इसे अप्लाई कर लिया है। आप इसे नेक पे भी और हैंड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये फेस पैक डार्क स्पॉट को रिमूव करने के साथ साथ आपके एजिंग साइन को भी रिमूव करने में हेल्प करता है और ये साथ ही साथ आपके स्किन को फेयर भी करता है। ये फेस पैक लगाने के बाद 15 से 20 मिनट इसे लगा रहने दें। फिर इसे 15 से 20 मिनट के बाद प्लेन पानी से आप अपने पूरे फेस को वॉश कर ले और पाइए बिल्कुल फ्रेश स्किन। अगर आपको इसे अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा ड्राइनेस फील हो तो जो भी मॉइस्चराइज़र आपको सूट करता है आप इसे थोड़ा सा लगा ले अपने फेस में। तो ये फेस पैक आप जरूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको भी इसका रिजल्ट 100% मिलेगा। तो मिलते हैं नई एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।